मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लॉकडाउन में हुई शादी में विधायक पप्पू भड़तौल ने दिया वरवधू को आशीर्वाद। आपको बताते चलें कि बरेली में प्रशासन की अनुमति से लॉकडाउन के दौरान शादी कराई गई है। प्रिया और रोहित की 26 अप्रैल को पहले से तय शादी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी समारोह में बाधा बन गया। जैसे मामले की जानकारी समाज सेवी सुशील पाठक को साईं शिरडी सेवा ट्रस्ट के सरकार को लगी। उन्होंने प्रशासन से अनुमति लेकर श्यामगंज स्थित शिरडी सेवा मंदिर में वैवाहिक कार्यक्रम कराया। इस वैवाहिक कार्यक्रम में दोनों परिवारों की ओर से पांच पांच लोग शामिल हुए। हालांकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। वहीं बिथरी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भड़तौल ने भी मंदिर पहुंचकर नव दंपतियों को अपनी अपनी शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है और हमारे जो पुजारी जी हैं वो देख रहे हैं, आप लगातार सोशल काम करते रहते हैं। और एक कन्या नहीं, ये तो समय ऐसा है, समय अनुकूल है, ये ठीक समय नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कन्या की शादी कराई। ये तो हजारों कन्याओं की शादी कराते हैं। आज ये विवाह संपन्न हुआ है, आपका क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, फिर ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक शादी भी हो गया। क्या कहना चाहेंगे, याद रहेगी जिंदगी में। जब शादी तय हुई थी उस दौरान नहीं पता होगा आपको? नहीं, जब बावन उमन सब पूछ गया था तब कुछ नहीं था, सब ठीक था, एकदम से हो गया। ये फिर कैसे इस विवाह संपन्न हुआ, क्या करा आपने? डीएम से परमिशन ली थी। परमिशन? हाँ। आज आपकी शादी हो गई, अच्छा लग रहा है बहुत। चलिए, तो उनसे ही बात करते। क्या नाम है आपका? रोहित। जी रोहित। रोहित रोहित कहाँ रहते हो, कहाँ के निवासी? मैं बिहारीपुर में रहता हूँ, सिविल लाइन्स। आज आपकी शादी हो रही है, कौन कौन शादी में आया है? शादी में जितने बताए थे उतने लोग आए हैं, मम्मी पापा आए हैं, माँ वगैरह लोग आए हैं, पांच लोग जो आए हैं और परमिशन लेकर आए हैं डीएम जी से। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, जैसे बोला गया था वैसे नियम के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, मास्क लगा कर सब कुछ। ये आज की यादगार शादी रहेगी? बहुत ज़्यादा, आज एक विवाह हो रहा है आपके मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे विधि विधान से पूरी बात? देखिए, लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, जिला प्रशासन की अनुमति से ये विवाह किया गया है। जो भी हमारे पास संभव उपलब्ध था वो सामान उपलब्ध कराया, वैदिक रीति से सात फेरे दिलाए गए हैं। ब्राह्मण ने, आपने देखा हमारे सांगवे संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य जी ने विधिवत वैदिक रीति से विवाह कराया है और हमारा हमेशा ये रहता है प्रयास, जब भी विवाह कराएं तो वैदिक रीति से हो, और जो सामान उपलब्ध हुआ है वो इन बच्चों को उपहार स्वरूप सामान भी दिया गया। लॉकडाउन के दौरान शादी हो रही थी, एक ऐतिहासिक शादी रहेगी, हमेशा यादगार जी। ये शादी हमेशा जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व को सता रही है, हमें भी सता रही है, और इसमें ये विवाह हो रहा है तो हम सबको यादगार रहेगा। अब तक आप हजारों विवाह करा चुके हैं, ऐसे में ये विवाह जो करा रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग है। शायद हमारे जीवन में जितने अब तक विवाह कराए हैं 2011 से अब तक, वो ये विवाह सबसे अनूठा और अलग रहेगा। इसकी याद उस याद से ज्यादा बढ़िया है जिसमें महामहिम आए थे, उससे बड़ी याद ये रहेगी।